नोएडा में नमाज को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। आज शुक्रवार है, इसलिए सेक्टर 58 के उस पार्क में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस की बड़ी तैनाती है। उधर निजी कंपनियों ने भी मुस्लिम कर्मचारियों के लिए नमाज की जगह का इंतजाम किया है। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर नमाज पर रोक लगा दी थी और उसके बाद तमाम सियासी आवाजें गूंजने लगी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता उसी पार्क से हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, आज की क्या तस्वीर? देखिए, यहाँ पर सुबह से ही पुलिस है, आप देख सकती हैं पार्क के अंदर ही इस वक्त मैं श्वेता मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखिए सामने पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, सामने दूसरी चेयर पे आप देखिए तो वहाँ भी पुलिस के जवान मौजूद हैं और इसी तरीके से जितनी भी यहाँ पे कुर्सियाँ हैं दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि 1 बजे के आसपास, 12:30 बजे के बाद लोगों का आने का यहाँ पे लोग यहाँ पर पहुँचते थे शुक्रवार के दिन, और 2:30 बजे तक यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। पुलिस ये कह रही है कि 14 तारीख को जब उन्होंने लोगों से बात की और 14 के बाद जब अगला फ्राइडे यानी 21 दिसंबर को लोग यहां पर नमाज पढ़ने नहीं आए थे, लेकिन इस बार पुलिस ने फिर से यहां सिक्योरिटी बढ़ा दी है, जिसके लिए पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से विवाद हुआ उसके बाद यहां पर हमने सिक्योरिटी बढ़ाई है। हालांकि पुलिस ने जो आसपास आप देख सकते हैं चारों तरफ यहां पे कंपनीज है और वहीं के एम्प्लॉय यहां पर पहले सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे। लेकिन शुक्रिया आपका हिमांशु, आगे भी आपसे जानकारी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।